आप सभी का स्वागत है रवि जॉन फार्मिंग लीडर में। मैं किसान रवि त्यागी, आपका होस्ट एंड दोस्त। मेरे बुजुर्गों और किसान साथियों को मेरा राम राम। तो आज हम आए हैं डॉक्टर अजब सिंह के पिक फार्म पर, जो पिक फार्म गाजियाबाद जिले का सबसे पुराना पिक फार्म था, लेकिन आज हापुड़ जिला बनने से वो हापुड़ जिले में आ गया है। तो चलिए देखते हैं। किसान भाइयों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। तो किसान भाइयों, आज हम आ गए हैं डॉक्टर अजब सिंह जी के फार्म पर और वो अपनी सक्सेस स्टोरी, इस पिग फार्म को करने के क्या ज़रूरत पड़ी, क्या सोच के किया और क्या उनके एक्सपीरियंस हैं वो बताएंगे। देखिए, कभी मैं अकेला खुद बेरोजगार था जी। फिर मेरे मन में आया कि हम रोज़गार की तलाश करते हैं, क्यों ना ऐसा कोई कार्य करें जिससे हमको भी रोज़गार मिले और कुछ और चंद लोगों को रोज़गार मिले। हाँ जी, तो हमने सोचा कि ऐसा कौन सा रोज़गार है जो कम पैसे में ऐसा हो जाए कि सभी को रोज़गार मिल जाए। तो फिर इसकी तरफ ध्यान गया हमारा और हमने बहुत छोटे स्केल पर इस काम को शुरू किया। ध्यान आपका किस तरह से गया, कहीं आसपास देखा क्या हुआ? ये जब मैं कहीं नौकरी करता था तो वहाँ पर एक नौकरी किस चीज़ में करते थे आप? मैं नौकरी पेट्रोल पंप पर करता था जी। तो वहाँ पर जो स्वीपर थे वो बुजुर्ग आदमी थे, उनसे अक्सर बात होती थी। तो इसके बारे में, क्योंकि वाल्मीकि समाज से संबंध रखते थे, उन्होंने इसके बारे में अक्सर बात की हमसे। वाल्मीकि जी से आपने प्रेरणा ली? हाँ जी, हाँ जब ये काम की शुरुआत की तो उन्होंने इसके बारे में बताया कि ये एक सूरी इतने बच्चे देती है, इतने समय में इतना बड़ा हो जाता है जी। तो मेरे मन में आया क्यों ना इसी काम को किया जाए। तो मैंने नौकरी छोड़ दी और यहाँ आकर गाँव में तब ये काम शुरू किया। बहुत छोटा काम शुरू किया, केवल चार कमरे बनाए। अच्छा, चार कमरे स्ट्रक्चर जो बनाया पहले शुरू में? हाँ जी, तो वो केवल चार कमरे था। तो उनमें डॉक्टर साहब लागत कितनी आई आपकी? लागत लगभग उस टाइम तो ईंट भी सस्ती थी, अब 5 रुपए की ईंट है, तब 1 रुपए की ईंट थी। बिल्कुल, तो लगभग 50,000 रुपये में हमारे चार कमरे तैयार और पानी वगैरह। कै बाई कै के थे वो? थे लगभग 10x10। हाँ जी, तो ये तो जब आप ऐसा बता रहे हो कि 1 रुपए की ईंट थी, आज 5 रुपए की है, तो ये 5 गुना होगा। हाँ जी, तो ये कितने टाइम पहली बात है, कौन से सन की बात है सर? ये है 2003 में शुरू किया था। अच्छा, 2003 में। हाँ जी जी। अच्छा, तो उसके बाद में केवल हम 20 जानवर ले आए थे CDF अलीगढ़ से। अच्छा, CDF अलीगढ़ से? हाँ जी, 20 जानवर। 19 से इसको बढ़ाते रहे, बच्चे पैदा हुए, फार्म बढ़ता गया, जितनी जगह की ज़रूरत हमको हुई उतनी जगह बना ली। हाँ, उतना ही बढ़ा लिया जी, जी, जी। और उसके बाद में हमने कभी फिर कोई बच्चा बाहर से नहीं खरीदा, केवल तैयार करा और बेचा। और बाकी आपने अब देखा ही है कि कितने कमरे हैं, कितने जानवर हैं। अब इस टाइम जानवर कितने हैं सर? लगभग 1,000 जानवर हैं। 1,000? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो डॉक्टर साहब, जैसे आप राजपूत परिवार से हैं, हाँ जी, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई रिश्तेदार या मिलने वाले, भाई आप तो उस टाइम हमारा ज़िला नहीं था हापुड़, जबकि बात है ये शुरुआत की आपने, गाजियाबाद था उस टाइम, गाजियाबाद ज़िला था और गाजियाबाद का पहला फार्म था। हाँ जी, तो कभी लोगों ने ऐसा नहीं कि राजपूत हो के या आप क्या, कुछ ऐसी बातें आई कभी? हाँ, गाँव के अधिकतर लोगों ने ये कहा कि आपने ये काम किया है, ये हमारा काम नहीं है जी। इससे आपको आगे दिक्कत आएंगी, कोई आपके ब्याह शादी भी नहीं करेगा जो काम आपने किया है जी। लेकिन हमने किसी को नहीं सुना और इस काम को किया। अब धीरे धीरे बहुत सारे लोगों ने, लगभग हर गांव में दो चार फार्म सभी गांवों में हैं। आपके गांव में तो बहुत ही ज़्यादा हैं। बहुत ज़्यादा हैं। अब कोई नहीं कहता कि आपने गलत किया, अब वो लोग हमसे सलाह मशवरा करते हैं। भिल्कुल, भिल्कुल। जो लोग कल हमको मना करते थे जी, आज वो सब लोग सुअर पाल रहे हैं जी। हाँ जी। और सर, जैसे कि आप अब काम पूरा बढ़ गया तो आपका टर्नओवर क्या है? इस
का टर्नओवर होगा, हम लगभग 500 जानवर जी पर ईयर बेचते हैं। अच्छा, 500 जानवर आप सेल कर देते हैं? कर देते हैं। हाँ। और एक जानवर लगभग 12,000 रुपये की कीमत होती है लगभग। जी जी जी। और उसमें लगभग 60% जानवर का खर्चा होता है, 60% जानवर का खर्चा, 40% हमारा नेट प्रॉफिट। मतलब ये है कि जैसे मैंने देखा है यूट्यूब वगैरह पर कि भाई बहुत कमाई है, हाँ, तो वो बात नहीं है, मेहनत भी है। हाँ, मेहनत भी है। कमाई जो है वो 40% है। 40% है। अच्छा, ये बताओ जैसे कि आपने ये काम किया, इसमें कभी दिक्कत भी आई? हाँ, दिक्कत भी आती है। एक बड़ी दिक्कत है, इनकी एक बीमारी होती है स्वाइन फीवर की। जी जी। उसका कोई इलाज नहीं होता, केवल वैक्सीन ही उसका इलाज है, और वो वैक्सीन बाज़ार से नहीं मिलती, केवल सरकार के द्वारा ही मिल पाती है जी। तो कई बार ऐसा होता है कि वो वैक्सीन समय पर तैयार नहीं होती। अच्छा। जैसे पिछले साल ऐसा हुआ कि वो वैक्सीन समय पर तैयार नहीं हुई, और बहुत सारे किसानों के यहाँ पिछले साल स्वाइन फीवर की बीमारी आई, मेरे यहाँ भी आई, तो उससे नुकसान, जिसमें करीब मेरे 400 जानवर उस बीमारी में मरे। हाँ, तो इस बार ऐसे ये फुट एंड माउथ वाली बीमारी आई है। इस, हाँ जी, इसमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जानवर कमज़ोर हो जाता, जैसा आपने देखा कुछ जानवर बहुत कमज़ोर हुए, तो ये इसकी वजह ये है कि इस बीमारी में जानवर करीब 15 दिन खाना नहीं खाता जी, तो कमज़ोर हो जाता है। इसकी भी वैक्सीन लगती है, लेकिन इसकी वैक्सीन भी इस साल समय पर नहीं मिल पाई। ये मतलब जो है, ये परेशान सरकार की तरफ से कमजोरी मान के चल। हाँ जी, कि जो है जो फार्मर हैं जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं उनकी जो बढ़ने की राह है उसमें रोड़ा ये है। पहले इसकी वैक्सीन जी IVRI इज्जत नगर बरेली से मिलती थी, ठीक है, वहाँ पर 5 साल से नहीं बन रही। अच्छा। उसके बाद में हमको ये वैक्सीन लखनऊ से मिली जी। अब इस साल लखनऊ भी नहीं बन रही है, वो कहते हैं कि हमारा लाइसेंस रद्द हो गया जी। अब कोई दूसरा ऐसा कोई संस्थान यहाँ पर नहीं है जहाँ से हम इस वैक्सीन को लें जी। तो इस बार भी नेपाल से वैक्सीन मंगवा के लगवाई है, तो हमको वैक्सीन समय पर नहीं मिली जी, और काफ़ी लेट मिली है, तो इसी वजह से जो है ये बीमारी, ये हाँ ये नुकसान हो जाते हैं। हाँ जी। तो डॉक्टर साहब, जैसे नए किसान हैं या नए लोग जो इस बारे में सोच रहे हैं, उनसे कुछ कहना चाहेंगे? उनसे मेरा कहना यही है, काम कोई बुरा नहीं है, अच्छा काम है, लेकिन ऐसा नहीं है हम केवल पैसा लगा के और बाहर बैठ के देखते रहें। बिल्कुल। कुछ अपनी स्वयं की मेहनत भी करनी पड़ती है लेबर के साथ साथ, जैसा आपने भी देखा कि मैं, बिल्कुल, मैंने देखा है? आपने अभी तो ये पैंट कपड़े चेंज किए, जूते चेंज किए, हाँ, आप अपने अंदर के काम, हाँ, करने वाले कपड़े पहन के, हाँ, और जो है जानवरों के साथ अंदर घूम, हाँ, रहे थे, और सारा जो और है हमको रोज नियम से इस काम को रोज देखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आज हमारा समय मिल गया तो आज आ गए, या फिर 2-4 दिन नहीं आएंगे, नहीं, देखना भी रोज। हाँ, डेली, हाँ, मतलब कम से कम 2-4 घंटे, हाँ, 24 घंटे में जो है फार्म देने हैं, आपके कितनी अच्छी लेबर है, हाँ जी, हाँ, सिस्टम, हाँ, लेकिन स्वयं को जरूर देखना होता है। देखो आपका सिस्टम है, 8-7 आदमी आपके यहाँ लगे हुए हैं, हाँ जी, परिवार सहित आपने जगह दे रखी है, हाँ जी, लोग हैं कहते हैं कि लेबर नहीं मिल रही इस काम के लिए, वो जो मसला है वो क्या है? वो एक तो देखो गरीब आदमी है जी, इनको समय पर पैसा चाहिए, कई बार परिवार में इनके कोई परेशानी है तो हमको एडवांस भी देना पड़ता है जी। लेकिन कुछ लोग ये समझते हैं कि नहीं ये तो हमारे बंधुआ मजदूर हो गए, ऐसा नहीं है। अगर जो लोग इनको समय पर पैसा नहीं देते, या एक आदमी 4 आदमी का काम एक आदमी से कराते हैं, तो फिर वहाँ आदमी लेबर नहीं रुकती, नहीं। हमारे पास में जितने आदमी की ज़रूरत है उतने आदमियों से काम कराते हैं, ऐसा नहीं है कि एक आदमी को हम बहुत ज़्यादा काम कराएं। जिसकी जितना पैसा, जिसका जितनी तनख्वाह बनती है वो समय पर देते हैं, अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसको एडवांस भी देते हैं। और सारी लेबर मेरे यहाँ कोई 10 साल से, कोई 12 साल से, मतलब सब पुराने लोग हैं, पुराने हैं, ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ का, हाँ जी, मकान वगैरह भी पूरा बनवा के, हाँ जी, इनके परिवार से एक बच्चे भी हैं, हाँ, इनके बच्चे पढ़ रहे हैं, हाँ, पैदा भी हो रहे हैं, हाँ जी, सारे काम यहीं पे चल सब हो रहा है, तो मतलब एक बड़ा अच्छा सा माहौल है आपके यहाँ। हाँ, इनके इनको सभी सुविधा देना हमारा काम है जी। ये बाहर से आए हुए लोग हैं,
इनको कोई परेशानी ना हो, हमारे गांव वालों की तरफ से कोई परेशानी ना हो, तो सब देखभाल हमको करनी पड़ती है। तो डॉक्टर साहब, किसान भाइयों को ये जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं किसान रवि त्यागी, रवि जॉन फार्मिंग लीडर से। बातें किसान की, बातें किसान की अपनी ही।